हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोबारा दोबारा से मेरे चैनल पे आने का। इस वीडियो में जो है मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत सी गलतफहमियाँ हैं लोगों को कोविड-19 वायरस को लेकर। सो मैं एक ही करके जो है वो इन इनको जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गर्म और सर्द मौसम में ये कोविड-19 वायरस जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, जो कि ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। इसकी वजह यह है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड रहता है। तो इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर, चाहे बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, आपकी बॉडी के अंदर अगर वो चला जाए तो वो वहाँ पर आराम से रह सकता है। दूसरा जो है वो लोग ये समझते हैं कि अगर गर्म पानी से नहाया जाए तो ये वायरस मर जाता है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग जो है यूवी शुआओं को जो है समझते हैं कि अगर हम अपने जिस्म पे इस्तेमाल करें तो वो इन वायरसेस को जो है वो मार सकता है। देखिए, अगर आप इस रेडिएशन को सरफेसेस पे या किसी भी लकड़ी पे, मेटल पे इस्तेमाल करेंगे तो हाँ, उससे वो वायरसेस को मार सकता है। लेकिन जब आप उसको स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो स्किन की जो है वो लेयर्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, और वो ये ऐसा नुकसान है कि जिसको जो है दोबारा से जो है ठीक नहीं किया जाता। तो मेरा मशवरा ये है कि कभी भी इस रेडिएशन को जो है अपनी स्किन पे या खाल पे जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं। बहुत से लोग वो अभी ये भी समझते हैं कि क्लोरीन मिला हुआ पानी या अल्कोहल जो है अगर अपने जिस्म पे मल ली जाए तब भी जो है ये वायरस मर जाता है। इसमें भी अभी तक जो है हम समझते हैं कि कोई भी जो है सच्चाई नहीं है। वो एक और गलतफहमी जो है वो ये है कि अगर नाक में जो है वो सैलीन या सॉल्ट वाटर जो जिसे कहते हैं वो अगर डाला जाए तो उससे जो है वो ये वायरस जो है वो ज़िंदा नहीं रखता। इसमें भी जो है वो कितनी सच्चाई है ये अभी पता नहीं है, लेकिन जो अभी साइंटिफिक पब्लिकेशन से जो चीज़ साबित हुई है वो ये साबित हुई है कि अगर आप अपने घर के अंदर जो आपकी हवा है उसको 50% हाइड्रेटेड अगर आप रखें तो आपकी फेफड़ों के अंदर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो इस किसी भी वायरस को जो है आपके लंग्स के अंदर या फेफड़ों के अंदर जो है वो घुसने नहीं देती। तो हाँ, ये जो है अब तक जो है वो साइंसदानों ने जो है ये मालूम किया है। और ये किस कहाँ पे ये चीज़ छपी है तो इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक जो है मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ जो चीज़ें हैं जो मैं अब आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ना तो गलत है ना सही है, अभी हमें नहीं पता। वो सही भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं। उनमें से नंबर एक जो है वो ये है कि अगर आप गार्लिक का इस्तेमाल करें तो ये आपको उससे जो है वो बचा सकती है। इसके बारे में जो है ना वो अभी हमें जो है वो सही तरह से मालूम नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमें ये नहीं पता कि क्या ये जो है मच्छर की वजह से जो है वो फैल सकता है कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता। आखिरी चीज़ जो मैं आपसे बहुत ज़रूरी जो है वो बात करना जिस पर चाहता हूँ वो, और जिसको आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो ये है कि क्या कोरोना वायरस जो है ई सिगरेट या सिगरेट के इस्तेमाल से जो है वो फैल सकता है। बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हाँ, ये फैल सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो हवा आपके फेफड़ों में से आती है वो आप जो है वो बाहर फेंक रहे होते हैं इसके इसके जो है धुएं की सूरत में, और वो जो है दूसरे लोग जो है उसको वही जो है अपने फेफड़ों में ले लें, और जिसकी वजह से जो है ये कोविड-19 वायरस जो है वो फैल रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि जब तक कि ये साबित नहीं हो सकता, आप जो है जितना हो सके सिगरेट और ई सिगरेट का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर हो सके तो इसको बिल्कुल तर्क कर दें। इससे ज़्यादा कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत